हम बनाने वाले हैं पनीर पराठा, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला, एकदम सॉफ्ट। तो यहाँ हम घर में बना हुआ पनीर लिए हैं और इसे हाथों से दबा दबा कर, आप कपड़ा से, कॉटन कपड़ा से दबा कर अच्छी तरह से इसका पानी निकाल लीजिएगा। उसके बाद इसे एकदम बारीक कर लेना है, तो हाथों से मसल कर या कद्दूकस करके आप इस तरह एकदम बारीक कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक काटा हुआ प्याज और बारीक काटा हुआ हरी मिर्च डाल देंगे और बारीक काटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप इस तरह घर का बना हुआ पनीर बनाएं या बाहर का पनीर लाएं, बिल्कुल सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला, इतना टेस्टी लगता है कि आप एक बार बनाइएगा तो बार बार बनाने का मन करेगा। तो यहाँ पर हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम बारीक है। अब इसमें डाल देंगे हम अजवाइन, एकदम अच्छे से मैश किया हुआ होना चाहिए पनीर, और ये कूटा हुआ अदरक है, तो 1 इंच का अदरक का टुकड़ा हम इस तरह कूट कर डाल देंगे। आप चाहें तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। तो इस तरह इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम बिल्कुल पानी नहीं है इसमें और पराठा भी बहुत सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ गेहूं का आटा लेंगे हम, इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी, ज़्यादा नहीं डालना है, और बिल्कुल थोड़ा सा हम यहाँ पर नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले घी को आटे में, और उसके बाद पानी थोड़ा थोड़ा डालकर एकदम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे इसका। रोटी बनाते हैं ना आप, उससे थोड़ा सॉफ्ट ही डो इसका तैयार करेंगे, रोटी से थोड़ा सॉफ्ट, ताकि अच्छे से इसमें स्टफिंग भरे और फटे भी नहीं। तो देखिए, सॉफ्ट आटा लीजिएगा तो बेलने में ज़्यादा फटेगा नहीं। तो इस तरह हम सूखे आटे की मदद से एक लोई तैयार कर लेंगे और इस तरह फैला लेंगे, और उसके बाद पनीर का जो स्टफिंग बनाए थे उसे हम भर लेंगे अच्छी तरह से। तो इसे चम्मच से दबा दबा कर अच्छे से भर लेंगे और बंद कर देंगे ऊपर से, और इस तरह हाथों से फैला लेंगे। पहले भी कई वीडियो में हम बताए थे आपको कि इस तरह हाथों से फैला लेने से बहुत अच्छी तरह से बेलने में आसानी होता है, मतलब अच्छे से बेला जाता है और फटता भी नहीं है, और चारों तरफ इसका रोटी का स्टफिंग बना रहता है। तो इस तरह आप हाथों से ज़रूर फैला लें, जब भी भरें कोई भी चीज़ का पराठा हो, तो इस तरह बंद करने के बाद सूखा आटा लगाकर हाथों से ज़रूर फैला लें। तो देखिए, इस तरह फैला लेंगे। अब इसे हम बेल लेंगे। एकदम भरपूर मात्रा में भरा हुआ है, कहीं भी ये नहीं है कि एकदम थोड़ा सा कम या ज़्यादा है, चारों तरफ एकदम अच्छी तरह से, मतलब इसका स्टफिंग एकदम भरा हुआ आएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कम भरा हुआ है, आटा आटा नहीं लगेगा, एकदम खोया जैसा मुंह में घुल जाता है। तो इस तरह देखिए, तवा गर्म हो गया है, उसमें उलट पुलट कर हम इसमें घी डालकर ही सेकेंगे। घी डालने से बहुत ही टेस्टी स्वाद आता है और बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा अंदर से, एकदम सॉफ्ट रहता है। तो आप चाहें तो कोई भी ऑयल लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया है ऊपर से। तो सारे पराठे को हम इसी तरह उलट पलट कर सेक लेंगे, और आप देख सकते हैं पूरा भरा हुआ है, स्टफिंग ऊपर से भी नज़र आ रहा है पर फटा नहीं है एक भी पराठा। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट बनता है।
तो आप एक बार इस तरह बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए सारे पराठे बनकर रेडी हैं और इस तरह हम सारे पराठे बना लेंगे और इस तरह कट कर कर हम प्लेट में भी निकाल लिए हैं और तोड़ कर भी दिखा रहे हैं आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।